हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे कराते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की, और फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं टीटी के नेक्स्ट लेवल यानी कि सुपर टीटी की, विच इज़ क्रूशियल फॉर एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे धुआं, संध्या, भत्ता और धावा। इसमें से हमें ये बताना है कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, यानी कि बाकी के तो तीन जो दिए हैं वो आपके पुल्लिंग शब्द दिए हैं, और जो एक दिया है उसमें से हमको वही एक फाइंड आउट करना है कौन सा स्त्रीलिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो इन विकल्पों में से आपका, अगर हम सही की बात करें, तो संध्या जो है इसी को हम स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं यानी कि धुआं हो गया, भत्ता हो गया और धावा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो हैं आपके पुल्लिंग। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है। तो भाई रिक्शा जो है वो किस भाषा का शब्द में बताना है, क्या ये अंग्रेजी का है, उर्दू, तुर्की या फिर जापानी। तो देखिए, रिक्शा जो शब्द है वो आपका जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जापानी भाषा का ये शब्द है, ना कि उर्दू, ना ही तुर्की, ना ही अंग्रेजी का। तो रिक्शा जो शब्द है वो आपका जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ खतरा उठाना होता है, या आगे दौड़ना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या फिर चलाकी का जवाब चलाकी से देना। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं लोकोक्ति या फिर मुहावरों की, तो डायरेक्ट आंसर उसके कभी नहीं होते हैं, ये हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। हमेशा यानी कि उसका जो लिखित मीनिंग है उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कोई उसका मीनिंग नहीं होगा, हमेशा उससे विपरीत होगा, टोटली कुछ न्यू होगा, अपोजिट होगा उसका, मतलब टोटली डिफरेंट मीनिंग होगा। तो यहाँ पे खतरा उठाना नहीं होगा, आगे दौड़ना भी नहीं होगा, और पेड़ पे चढ़ना और खेलना भी नहीं होगा। चलाकी का जवाब जो है वो चलाकी से देना, इसी को कहते हैं कि तू डाल डाल तो भाई मैं पात पात हूँ, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनमाना में समास जो है वो कौन सा है। तो मनमाना जो है वो एक टाइप का समास यहाँ पे पूछा गया कि किस टाइप का है, क्या ये अव्ययी भाव है, कर्मधार या है, तत्पुरुष है, या फिर बहुव्रीही है। तो देखिए, बात करते हैं मनमाना की, तो मनमाना यानी कि मन से माना, है ना, मन से माना हुआ, तो जो मन से माना, तो से यहाँ पे क्या है, कारक चिन्ह है जिसका कि यहाँ पे लोप हुआ है, और से कारक हम किस में यूज़ करते हैं, क्या यह अव्यय भाव में आता है, क्या तत्कर्मधार में आता है, क्या बहुव्रीही में आता है, या फिर तत्पुरुष में आता है। तो जी बिल्कुल, ये जो है वो तो आपके तत्पुरुष में आता है। और तत्पुरुष समास की खासियत क्या होती है, देखिए पहला पद जो है ना इसमें वो गौण होता है, यानी कि कम, मतलब उसका इम्पोर्टेंस जो है ना थोड़ा सा कम होता है, और जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि वो जो है आपका इम्पोर्टेंट होता है, मेन होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। और देखिए, तो प्रथम पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा जो होता है विशेष होता है, यानी कि प्रथम पद जो है वो उसकी विशेषता बताते रहेगा दूसरे वाले शब्द की, यानी कि अंतिम शब्द जो लिखा होगा, जैसे राजा पुत्र, तो राजा का पुत्र, यहाँ पे पुत्र की विशेषता बताई जा रही है, वो किसका पुत्र है, राजा का, तो राजा यहाँ पे विशेषण हो गया और पुत्र जो है वो विशेष्य हो गया। तो इस टाइप से होता है आपका तत्पुरुष समास। और इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ, तो जैसे कि हो गया तुलसी कृत, यानी कि तुलसी द्वारा कृत, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, रेखांकित यानी रेखा द्वारा अंकित, गुणयुक्त, गुण से युक्त, शोकाकुल, शोक से आकुल, प्रकाशयुक्त, प्रकाश से युक्त। तो इस टाइप से जो है ये तत्पुरुष समास के कुछ एग्जांपल्स हैं। नाउ इजीली यू कैन डिफाइन इट। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के एक मेल की दृष्टि से जो है वो शुद्ध युग्म को हमको पहचानना है। तो यहाँ पे यानी कि तीन तो जो है वो अशुद्ध दिए हैं, और एक जो है वो यहाँ पे शुद्ध युग्म दिया है, वही हमको पहचानना है कौन सा यहाँ पे शुद्ध युग्म दिया है। हरिद्रा, हरिद्रा का हम सबको पता है कि हल्दी होता है, हरिद्वारा नहीं होता है, पृष्ठ अर्थात पन्ना ही होता है। तो यह ये एकदम आपका सही दिया गया है, यही ऑप्शन आपका शुद्ध युग्म यानी कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पर्यंक का परख नहीं होता है, और चुल्लिक का चूल्हा नहीं होता है। बात करते हैं अगर पर्यंक की, तो पर्यंक का अर्थात हो जाता है पलंग, और हरिद्रा का हो जाता है हल्दी। चुल्लिक का चूल्हा बिल्कुल भी नहीं होता है,
पृष्ठपन्ना, पृष्ठ का अर्थात ही पन्ना होता है, ये हम सबको पता ही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा शब्द जो है इसका सही विलोम हमको चुनना है कि सही विलोम क्या होगा। महात्मा शब्द जो दिया है इसका विलोम अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इसका अपोजिट करेंगे वो क्या हो जाएगा, दुष्ट, दुर्जन, दुरात्मा या फिर पापी। देखिए महात्मा जो शब्द है इसका सही विलोम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है दुरात्मा, है ना। महात्मा, दुरात्मा, देखिए बोलने में भी टोनिंग आ रही है ना। और दुष्ट और दुर्जन ये दोनों तो अगर इसकी बात करें तो ये तो दुरात्मा का अपना समानार्थी शब्द दे दिया है ना, कि नहीं। दुरात्मा मतलब क्या होता है, एक दुष्ट व्यक्ति या फिर कोई दुर्जन व्यक्ति। तो दुष्ट और दुर्जन जो दिया है ये अपना दुरात्मा का सिमिलर वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो सी, यानी कि दुरात्मा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए पहले ही कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं, यानी कि निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस दी हैं, तो जल्दी देख लेते हैं। प्रश्न 83 और 84 के लिए इन गाइडलाइंस को आपको यूज़ करना है, यानी कि इन प्रश्नों में से एक वाक्य दिया गया है जिसमें कि त्रुटि है और इसके नीचे चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही होगा और इसी सही विकल्प को जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो हमारा है देखते हैं। जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, तो यहाँ पे जो चार स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा इसमें से सही दिया गया है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, या जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो सबसे अप्रोप्रिएट देखिए, आप खा लो ऐसे नहीं हम बोलते, तुम खा लो भी नहीं बोलते हैं। मिठाइयाँ पसंद हो उसे तुम खा लो ये सही नहीं है, हम जब बोल रहे हैं तो भाई रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा बोलना चाहिए, है ना। सबसे अप्रोप्रिएट मतलब इन तीनों में से, इन चारों में से यही लग रहा है कि भाई जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दो स्टेटमेंट थे यानी कि 83 और 84 दोनों क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बोला गया था। तो ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हम बचपन में वहाँ जाएंगे, हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं, या फिर मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, या फिर मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। देखिए बात करते हैं यहाँ पे सही विकल्प की। तो सबसे सही और अप्रोप्रिएट आपका हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। बाकी देखिए हम जाते रहे हैं, जाते रहे हैं कैसे आएगा, हम बचपन में वहाँ जाएंगे यानी बचपन आपका फिर से क्या आने वाला है क्या, तो नहीं ना। बचपन में वहाँ जाऊँगा ऐसा लग रहा है, बचपन आएगा और हम फिर वहाँ पे जाएंगे और खेलेंगे कूदेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, यानी बचपन हो चुका है बीत और हम वहाँ पे जाके आ चुके हैं, इसीलिए हम कहेंगे मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है आपके गलत दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, अंधा किंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, या फिर आंखों का रोग। तो देखिए हमने बताया था लोकोक्ति हो चाहे मुहावरे, डायरेक्ट उत्तर उसका कभी भी नहीं होता है, ये टोटली आपका डिफरेंट मीनिंग कैरी करता है। तो यहाँ पे जो है आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब अंधा, देखो डायरेक्ट रिलेट करके आंख से बताया है, अंधा वापस डायरेक्ट रिलेट करके आँख से है, आँखों का रोग ये भी डायरेक्ट रिलेट करता है आँख से, तो ये तो तीनों नहीं है। बाकायदा एक ही सिंपल बचा है कि मूर्ख धनी, और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, मूर्ख धनी जो है यही आपका एकदम अप्रोप्रिएट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, क्या ये अश्व होता है, बेसर होता है, श्रृगाल या फिर किंकर। देखिए वाजी जो शब्द है हम सबको पता है कि वाजी हो गया, घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, तुरंग हो गया, ये सब क्या है, अश्व के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, सब अश्व के यानी कि घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी यहाँ पे जो है बेसर और श्रृगाल और किंकर ये पर्यायवाची इसके नहीं हैं। बात करते हैं अगर किंकर की ना, तो किंकर जो है ये आपका होता है दास का पर्यायवाची, किंकर अर्थात होता है दास। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में से एक जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, यानी बाकी तीन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को कैरी करते हैं, तो कबूतर, कठफोड़वा, मोर या फिर कौआ, कौन सा इसमें से एक जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। बात करते हैं अगर फारसी भाषा के शब्द की, तो यहाँ पर जो आपका है कबूतर, यही आपका जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसके साथ अगर हम फारसी भाषा के शब्दों की अगर मैं और बात करूँ, तो जैसे अफसोस हो गया,
अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पजामा, मोजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, चूड़ी, बर्फ़ी, जलेबी, इत्यादि इत्यादि, मतलब बोलते हैं ना इतने सारे वर्ड्स हैं ना, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मतलब एक बार आप इसे अगर पढ़ लेंगे तो आपको फिर ये दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई ये सारे वर्ड्स, मतलब कभी भी आप एक बार सुन लीजिए जो वर्ड्स हैं ना उसे आप बोल लीजिए, ज़ोर ज़ोर से जब आप बोलेंगे और वो आपके कान में आवाज़ जाएगी तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए मतलब एक दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई ये जो शब्द है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, क्या यह फारसी है, देशज है या कौन सी कैटेगरी का है। तो यहाँ पे तो आपका जो फारसी भाषा का शब्द है आपका वो है आपका कबूतर। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इसका मतलब यहाँ पे बताना है कि भाई कवि जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या कवि जो होते हैं वो बहुत तर्कशील होते हैं, या कवि जो होते हैं वो बहुत भाव प्रवण होते हैं, या फिर कवि जो है वो बहुत विचारशील होते हैं, या फिर कवि जो है वो बहुत ही कल्पनाशील होते हैं। बात करते हैं कवियों की, तो कवि तो भाई वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ चांद तारे भी नहीं पहुँच सकते, गुब्बारों में भी भाई हवा भर के ये तो बेच देते हैं, तो भाई कवि तो वो होते हैं जो उनकी कल्पना में इतनी गहराई होती है कि पूछिए ही मत। तो आपका जो भाई कवि जो है वो बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, और इसीलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वो विचारशील तो वो होते ही हैं, भाव प्रवण यानी बिना भाव के तो वो कविता बना ही नहीं सकते, और तर्कशील यार वो मैथ्स थोड़ी ना कर रहे हैं जो तर्कशील होंगे, लेकिन वो उनमें क्या होती है कल्पना, इमेजिनेशन होती है, उनकी जो इमेजिनेशन पावर उनके पास होती है कविताओं को रचने की, बस इसीलिए तो वो कवि कहे जाते हैं ना यार। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो हो जाएगा आपका कवि जो है वो बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मात्रिक छंदों में से मात्रा जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो मात्रिक छंदों में जो वो मात्रा है वो कितने प्रकार की यहाँ पे पूछी है। तो हम लोग तो भाई अब तक तो जितने हैं दो ही मात्राएं पढ़ते आ चुके हैं। अब ये दो मात्राएं कौन सी हैं, दो मात्राएं एक होती है आपकी लघु मात्रा जिसको हम इंडिकेट करते हैं ऐसे, और दूसरी होती है आपकी गुरु मात्रा जिसको हम इंडिकेट करते हैं ऐसे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चार की, तो चार पे यहाँ पे चा की मात्रा हो जाएगी दीर्घ और र की मात्रा हो जाएगी लघु। इसी टाइप से जो है हम वो इसको डिफाइन करते हैं, एक होती है मात्रा आपकी लघु, एक होती है दीर्घ, और लघु को हम इंडिकेट करते हैं आई से और दीर्घ को इंडिकेट करते हैं एस से, ठीक है। तो ये जो है दो टाइप की होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द जो है उसे छांटना है, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख या फिर गोपाल। यौगिक शब्द का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, दो शब्दों के योग से जो शब्द बनता है, जैसे कि रेल और गाड़ी दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है रेलगाड़ी, उसी टाइप से ये हो जाते हैं आपके यौगिक शब्द। तो यहाँ पे जो है देखिए दशानन, परोपकार और चतुर्मुख ये जो हैं तीनों डिफरेंट मीनिंग कैरी करते हैं, और कह सकते हैं कि ये आपके बहुव्रीहि समास को बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों तो जो है वो आपके यौगिक शब्द बिल्कुल भी नहीं हैं, तो यानी कि ये कौन से शब्द हो सकते हैं, चलिए बताइए। देखिए ये तीनों जो है वो आपके हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द, और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पंकज यानी कि पंक में जन्मा हुआ है ना, तो पंक यानी क्या कीचड़, कीचड़ में जो जन्म लेता है वो है आपका कमल, तो पंक में जन्मा हुआ ये आपका योग रूढ़ हो जाएगा, यानी कि कमल के लिए ये प्रयुक्त किया गया है यहाँ पे। यहाँ पे तीसरा ही मीनिंग आता है पंकज, है ना, एग्जैक्टली ये वर्ड जो है उस वर्ड से रिलेटेड मीनिंग नहीं कैरी करेगा, तीसरे किसी वर्ड के रिलेटेड ये मीनिंग कैरी करता है, सेम वर्ड के लिए कभी भी नहीं मान्य होगा। दशानन ये रावण के लिए यूज किया जाता है, परोपकार, चतुर्मुख ये ब्रह्मा जी के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर ये जो है ये तीनों बहुव्रीहि समास वाले जितने भी आपको शब्दांश मिल जाएंगे वो सभी हमेशा आपको योगरूढ़ मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो भी शब्द होते हैं बहुव्रीहि के वो अपने आपस में कोई अर्थ का मीनिंग नहीं रखेंगे, तीसरा ही कोई अर्थ देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका योगरूढ़ शब्द होता है वो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग कैरी करेगा, यानी कि जो वर्ड है वो तो नहीं रहेगा, उसका मीनिंग कुछ अलग ही रहेगा। और यहाँ पे हमको पूछा है यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपाल। यौगिक मतलब दो किसी अलग अलग शब्दों से मिलके बना, तो क्या इसे तोड़ेंगे तो इसका मीनिंग सेम है, देखते हैं। गोधनपाल, देखिए गो मतलब गाय हो जाती है, पाल मतलब ग्वाले हो जाते हैं, गो को पालने वाले यानी कि गोपाल, तो दोनों अलग अलग मीनिंग कैरी कर रहे हैं, यानी इस अकेले शब्द का भी एक मीनिंग है, इसका भी एक मीनिंग है, लेकिन इन शब्द को अगर तोड़ेंगे तो इसका कोई अलग मीनिंग नहीं बनेगा।
पंक यानी फिर पंक वो दूसरा पंक हो जाएगा, ज मतलब दूसरा हो जाएगा, तो इस टाइप से। और यहीं पे बात करते हैं, तीसरा भी शब्द होता है जो होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी कि हम कह सकते हैं कि धातु शब्द होते हैं वो, है ना। हमने यौगिक शब्द देख लिया जैसे कि गोपाल, हमने योगरूढ़ शब्द देख लिया जैसे कि पंकज या फिर दशानन, परोपकार, चतुर्मुख। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द क्या होते हैं आपके? रूढ़ शब्द मतलब आप उसको ना तोड़ेंगे तो उसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शब्द, मैं इस शब्द को अगर श अलग लिख दूँ और द अलग लिख दूँ तो क्या इस खाली श का कोई अपने आप में पूर्ण मीनिंग है? नहीं है। और द का भी कोई पूर्ण मीनिंग है? नहीं है। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो शब्द ये एक पूर्ण मीनिंग आपको देता है, ना कि अलग अलग इसके शब्द जो है वो आपको मीनिंग देते हैं। तो रूढ़ शब्द हमेशा वो शब्द होंगे जो टूटने के बाद आपको कोई मीनिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर पूर्ण रूप से हैं तो आपको वो मीनिंग देंगे। तो यहाँ पे आपका जो यौगिक शब्द पूछा था तो हमने आपको तीनों बता दिए हैं। तीन ही टाइप के होते हैं शब्द, एक होता है रूढ़, दूसरा होता है योग रूढ़ और तीसरा है आपका यौगिक। तो यहाँ पे आपका यौगिक शब्द जो है वो आपका है गोपाल, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है छप्पे में होते हैं। तो भाई छप्पे में क्या होते हैं? प्रथम चार चरण जो है वो रोला के और अंतिम दो चरण उल्लाला के, या फिर प्रथम चरण जो है वो रोला के और अंतिम चार चरण उल्लाला के, या फिर प्रथम चार चरण चौपाई के और अंतिम दो चरण दोहा के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बात करते हैं अगर छप्पे की, तो छप्पे में जो है वो आपके प्रथम चार चरण है वो रोला के होते हैं और अंतिम दो चरण जो है वो उल्लाला के होते हैं। तो ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और ये जो है वो आपका कैसा छंद है, ये अगर हम बात करें तो ये जो है ना आपका मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद है, ठीक है। तो ये जो आपका छप्पे है ये आपका विषम मात्रिक छंद होता है और संयुक्त छंद भी हम इसे कह सकते हैं। और इसमें अगर टोटल मात्राओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो 15-13 की लेके मात्राएं होती है जो कि 28 टोटल होती है। और सबसे ज़्यादा आपको अगर कुछ देखने मिलेगा तो ये 28 मात्राओं वाला ही मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी ए ऑप्शन वहाँ पर बिल्कुल आपका सही था। प्रथम चार चरण रोला के और शेष दो चरण जो होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। अब देखिए बात करते हैं उल्लास शब्द का विलोम। यहाँ पे पूछा है उल्लास शब्द का विलोम क्या है, यानी कि अपोजिट क्या है? हर्ष है, विषाद है, कष्ट है या नैराश्य है? बात करते हैं उल्लास शब्द की, तो उल्लास शब्द का जो विलोम होता है वो हो जाता है आपका नैराश्य। और बात करते हैं हर्ष का, तो हर्ष का अपोजिट होता है आपका विषाद, ठीक है। हर्ष का अपोजिट विषाद होता है, उल्लास का अपोजिट जो है वो नैराश्य होता है, यानी विलोम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है पूछा है। देखिए है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, तो औरत, कमीज, गमला या बूंद। देखिए बूंद जो है ना आपका यही जो है वो एक तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका अगर तत्सम रूप की अगर हम बात कर लें, यानी कि बूंद तो तद्भव दिया तो इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम हो जाएगा बिंदु। हम ये बूंद डिफरेंट वाली, अब तक हम ये पानी वाली बूंद समझ रहे थे, है ना, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसका तद्भव रूप है बिंदु। इसका जो तद्भव रूप है वो है बूंद और इसका जो तत्सम रूप है वो आपका हो जाएगा बिंदु, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक विदेशी, बाकी तीन यानी कि विदेशी भाषा के शब्द दिए गए हैं, औरत, गमला और कमीज, ये तीनों आपकी विदेशी भाषा के शब्द है। और जो नहीं है वो है आपका बूंद, बूंद जो है वो आपका तद्भव है और इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा जो है वो असंगत दिया है, यानी कि तीन तो जो है वो संगत दिए हैं और एक जो है वो असंगत, तो असंगत को हमको फाइंड आउट करना है। पहला है अफसोस फारसी, कैची तुर्की, गमला पुर्तगाली और कारतूस अंग्रेजी। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे इन शब्दों की, तो भाई कौन से शब्द जो है वो किस भाषा से बिलोंग करते हैं वो हमें बताना है। तो अफसोस जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, अभी हमने देखा था अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, है ना। कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, गमला जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, लेकिन कारतूस जो है ना वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें पूछा है असंगत कौन सा, यानी कि डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही होगा। कारतूस जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, यानी कि ये जो है आपका वो किस भाषा का शब्द है, ये हो जाएगा आपका फ्रांसीसी शब्द, यानी कि फ्रेंच भाषा का शब्द ये दिया गया है, ठीक है। कारतूस जो है वो आपका
फ्रेंच भाषा का शब्द है, ना कि अंग्रेजी भाषा का शब्द। बढ़ते हैं अपने अगले। हीरो को कैसा हो बसंत, किस रस की सृष्टि हुई है। यहाँ पे बात करेंगे अगर इस वाक्य इस टॉपिक की, तो ये एक बाकायदा एक शीर्षक है, हीरो का कैसा हो बसंत। और ये जो शीर्षक है ना, इसमें डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी, इन्होंने क्रांति की गायिका थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेखक लेख में इन्होंने सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा था। और सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविता क्रांति के जयघोष से गुंजित होती है। वीरों का कैसा हो बसंत इसका ये जो है वो एक बढ़िया सा उदाहरण भी है। और बात करते हैं यहाँ पे पुरुषों एवं घटनाओं का नाम लेकर, यहाँ पे लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण करके, त्रेता एवं द्वापर युग की वीरता के महत्व का वर्णन करते हुए यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई बसंत पर्व को रक्त के पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए, और इसीलिए जो है ये यहाँ पे जो है वो वीर रस की जो है व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे कौन सा रस आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वीर रस, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जो शब्द कहीं से अगर संस्कृत से आए हैं तो वो हो जाते हैं आपके तत्सम शब्द, है ना। ऐसे याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। जो शब्द जो है वो संस्कृत से आए हैं वो तो हो जाएंगे तत्सम, जो शब्द जो संस्कृत के रूप से परिवर्तित होके आए हैं वो हो जाते हैं आपके तद्भव। जो संगर शब्द किसे कहते हैं, देखिए देशज शब्द जो है इनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, ये कहाँ से आते हैं, जैसे लोटा हो गया, डोरी हो गया, है ना, फटाफट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनको पता नहीं चलती कि इनका उद्भव भी कहाँ से हुआ। तो ये सारे शब्द जो है वो देशज हो जाते हैं, लेकिन संकर शब्द बचा है सबका संकर शब्द, तो संकर शब्द जो है वो आपका हो जाता है कौन सा, वो अपना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को कैरी करता है, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बन जाता है ये। लेकिन जो देशज शब्द है ना, इन्हीं की व्युत्पत्ति का जो है वो पता बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो ये आपको ज़रा सा देख लेना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुटिल का विलोम क्या है। भाई कुटिल का विलोम यहाँ पे पूछा है क्या है, क्या ये जटिल होगा या फिर रूढ़ होगा या फिर रज होगा या फिर वक्र होगा। बात करते हैं कुटिल के विलोम की, तो कुटिल का विलोम आपका सरल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सरल तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे आप रिजु जो है इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो कुटिल का जो विलोम हो जाएगा वो आपका रिजु हो जाएगा। और वक्र और कठिन क्या हो जाएगा, वक्र और कठिन जो ये कुटिल का समानार्थी हो जाता है, वक्र हो जाएगा या फिर कठिन लिखा है, ये जो है वो कुटिल का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची है। और कुटिल का अगर अपोजिट की बात करें, विलोम की बात करें, तो रिजु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, यानी कि रिजु। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राचीन शब्द का विलोम क्या है। तो भाई प्राचीन शब्द का विलोम हम सबको पता है कि यह अरबा चीन होता है, तो इसमें तो कोई रुकने वाली बात ही नहीं है। वर्तमान समचीन इनमें से कोई नहीं होगा, प्राचीन का विलोम हमेशा ही हमेशा अरबा चीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है। आर्द्र का मतलब गीला होता है और शुष्क का विलोम सूखा होता है, तो यहाँ पे आर्द्र का जो समानार्थी है वो तो गीला होता है, और यहाँ पे पूछा है विलोम शब्द क्या है, तो आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा। शुष्क यानी कि सूखा होता है, आर्द्र मतलब गीला होता है, और गीला अगर ये शब्द दे के पूछे कि इसका विलोम क्या होगा, तो गीला का विलोम हो जाएगा सूखा, लेकिन अगर पूछे आर्द्र तो आर्द्र का हो जाएगा विलोम शुष्क, ठीक है। और गीला अगर पूछ ले तो गीला का विलोम होता है सूखा। आर्द्र का मीनिंग क्या होता है, गीला होता है, और आर्द्र का विलोम क्या होता है, शुष्क होता है, तो यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी पत्रिका है जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा जो है वो प्रकाशित होती है, तो ये कौन सी पत्रिका है, क्या ये तद्भव पत्रिका है, पहल पत्रिका है, वसुधा या फिर बहुवचन। देखिए बात करते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कि वर्धा में आपकी है, ये यहाँ पे ना त्रैमासिक पत्रिकाएँ जो है वो यहाँ पे बनाई जाती हैं, संपादित की जाती हैं, यानी कि 3 माह में जो बनती है एक पुस्तिका उसे हम बोलते हैं त्रैमासिक, या आप कह सकते हैं इंग्लिश में क्वार्टरली, या फिर आप कह सकते हैं 3 मंथ्स में जो रिलीज होती है वो। तो यहाँ पे ये जो पत्रिका है वो है आपकी बहुवचन, जिसका कि प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 1999 से ये प्रकाशित की जा रही है, और इसके संपादक की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके अशोक वाजपेयी जी।
और तद्भव पत्रिका, तो तद्भव पत्रिका के संपादक जो है वो अखिलेश जी हैं, और त्रैमासिक पत्रिका ये भी है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है इसका भी ये 1999 है, और ये जो है वो लखनऊ से स्टार्ट हुई थी। बात करते हैं अब अगली पत्रिका की, जो है आपकी वसुधा पत्रिका। तो वसुधा पत्रिका के जो संपादक है वो है भोपाल से, ये मतलब ये संपादित होती है भोपाल से, और जो इसके संपादक है वो श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। और एक और पत्रिका की अगर हम बात करते हैं जो है पहल पत्रिका, तो पहल पत्रिका जो है वो भी आपकी क्वार्टरली रिलीज होती है, लेकिन ये जब ये रिलीज हुई थी, ये फर्स्ट टाइम रिलीज हुई थी 1960 में, और इसके जो संपादक है वो हैं ज्ञान रंजन जी। और ये अगर कभी पूछ लेंगे कि कहाँ से रिलीज होती है, तो ये होती है आपके राजस्थान के जयपुर से। तो यहाँ पे पूछा था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो कि वर्धा के द्वारा प्रकाशित होती है, तो वो पत्रिका आपकी त्रैमासिक है यानी कि क्वार्टरली होती है रिलीज, और ये है आपकी बहुवचन। इसका नाम जो है वो बहुवचन, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का हमको चयन करना है। तो देखिए संयुक्त वाक्य यहाँ पे कौन सा है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ेगा, वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं संयुक्त वाक्य की, वाक्य जो है वो भी तीन टाइप के होते हैं, सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा, मिश्र वाक्य में दो सेंटेंस रहेंगे, दो स्टेटमेंट रहेंगे अलग अलग, और एक जो है वो दूसरे के ऊपर आधारित होगा, पूर्ण रूप से जो है वो आधारित होता है वो। और जो संयुक्त वाक्य है वो हम कैसे बनाते हैं, संयुक्त वाक्य जो है वो हम दो न्यू स्टेटमेंट्स रहते हैं, मतलब टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर टोटली डिफरेंट स्टेटमेंट वाला हमको देखना है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, ये तो आपका मिश्र वाक्य लग रहा है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, देखो पढ़ता हूँ गाता है, दो अलग अलग टाइप की क्रियाएँ हो रही है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो वर्ड है वो है और, इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संयुक्त वाक्य में हमेशा जो है वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो एक दूसरे दो स्टेटमेंट्स को जो है वो कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड यहाँ पे दिया है वो है आपका और, तो इसीलिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन हमारा है, परुष शब्द का विलोम क्या होता है। परुष, देखिए यहाँ पे पुरुष नहीं पूछा है, यहाँ पे परुष पूछा है। देखिए पुरुष ऐसे लिखते हैं, परुष ऐसे, आपको वाक्य शुद्धि के लिए भी ये आ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बताने से पहले पहले ही आपको बता दूं कि भाई इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में है। सुपर टीटी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से चल रही हैं, तो अगर अभी तक आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, परुष अर्थात हो जाता है कठोर, लेकिन इसका यहाँ पे पूछा है विलोम, तो विलोम की अगर हम बात करते हैं तो परुष का विलोम हो जाएगा कोमल, यानी कठोर का विलोम हो जाता है कोमल, तो यहाँ पे परुष अर्थात हो जाएगा आपका विलोम शब्द कोमल। आज की वीडियो में तो गाइस बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।